ब्रेकफास्ट टाइम अपना। ब्रेकफास्ट में क्या है? पोहा, नमकीन, आलू सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, ये भी सांभर, इडली। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश श्रीवास्तव व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ बहुत बढ़िया होगा। ऐसा है और मॉर्निंग हमारी हो गई है, कुछ ज़्यादा तेज़ धूप के साथ हुई है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। और अब मैं आपको देता हूँ हमारे कैंप का टूर। अभी वो लोग रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं आपको यहाँ का टूर देता हूँ। पूरे टेंट्स हैं, आधे टेंट्स यहाँ पे, आधे टेंट्स उस साइड है, वो एंट्री है। तो ये है दूसरी एंट्री यहाँ से। तो यहाँ पे रिसेप्शन वगैरह है सारा, वेटिंग एरिया। ये है आपके लग्जरी टेंट्स। अब बाहर निकल के धूप तो लग रही है, बट यहाँ पे हवा बहुत बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है। हवा का अंदाज़ा फ्लैक्स के उड़ने से लगा सकते हो। और ये है रेस्टोरेंट एरिया, वहाँ बूफे लगता है पूरा। और यहाँ से बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट के टेरेस पे, और यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। क्या आप, एक नंबर व्यू है। क्यों है ना बढ़िया भाई, यहाँ रुकना ना वर्थ है। अगर आप लोग यहाँ आए हो, जोधपुर के पास आए हो, डेजर्ट, यहाँ पे सबसे बेस्ट कैंप है। रीजनेबल का रीजनेबल है, और सबसे बड़ी बात फैसिलिटी अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, और पूल है, कल्चरल प्रोग्राम होता है यहाँ पे, और टेंट्स भी अच्छे हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पे स्टे करने का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कैंपिंग पहले भी करी है, बट राजस्थान में नहीं करी। यहाँ पे करने का मज़ा ही अलग आ गया, कहते ना वर्थ था, पैसे जो दिए वर्थ थे। अगर आप लोग भी चाहो तो यहाँ पे आके रुक सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ है इस एरिया में बहुत सारे कैंप्स हैं, बट ओवर प्राइस है वो। तो बस यहाँ से निकलते हैं, पैकिंग करते हैं, और फिर दिल्ली की तरफ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई रेडी हो रहे थे जाने के लिए, बट इन लोगों का कुछ और ही प्लान बन गया, मतलब पूल में नहाना है, पूल में नहा के जाएंगे। हाँ चलो भाई नहाते हैं, फिर चलते हैं। तो भाई इन लोगों का फोटोग्राफी चल रही है, पोजिंग चल रही है, पोजिंग। ओह अरे लड़के, बस भाई वी आर रेडी टू गो। अब रेडी हो गए, निकल रहे हैं यहाँ से। चलो भाई चलो, 12 वो तो गया वो गया सामान, वो निकल गया खत्म। अब बस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, लगेज भिजवा दिया हमने। तो भाई चाय आ गई है अपनी, कौन सा है, चाय ब्रेक, टी ब्रेक। और ये हाईवे इतना गंदा हाईवे है ना, हाईवे गंदा नहीं है,
एक नंबर के लोग हैं, एक नंबर के बहुत तगड़े लोग हैं भाई। क्या कसम, यहाँ आके देखना जरूर, एक बार आना और ऐसे रोड पे राजस्थान में घूमना जरूर। और इसी तरफ जिस तरफ हम आया भाई, जिंदगी भर गाड़ी चलानी छोड़ दोगे तुम, ऐसी गाड़ी चला देंगे भाई साहब। बहुत गजब, सिंगल लेन हाईवे है, गूगल मैप ले आया और बैंड बजी बढ़िया। ये तो मस्त भाई साहब, नींद पूरी करके चाय गरम है, हवा अच्छा चल ठंडी, अंदर से गरम बाहर से ठंडी, अंदर से गरम। ये आ गया 2020 भी स्टेट। और बस यहाँ से चाय वाय पी के फिर निकलेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे पूछा है तो कह रहे हैं 100 किलोमीटर तक ऐसे ही है, तो 100 किलोमीटर तक सिंगल लेन है, उसके बाद खुला हाईवे आ जाएगा। चलते चाय वाय पी के आगे। भाई पहुंच गए घर, 2 बजे। गूगल आंटी ने इतना परेशान किया इस बार, रास्ता कहीं का कहीं ले गई और बहुत देर हो गई, बहुत टाइम लग गया और बहुत थक गए। और इस ब्लॉग में यही एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको जोधपुर की सीरीज़ पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।